मैं 9 साल की थी तब मेरी पहली शादी हुई. गुड. ये 8-9 साल की थी, इसको नहीं पता कि 9 साल की थी ये. तो 8 थी, 7.5 थी या 9 साल थी, तो वो अंदाजे से बता रही है कि शादी किसके साथ हुई. उम्र में वो इससे 43-45 साल का आदमी था जिसके साथ इसकी शादी करी इसकी माँ ने. हाँ, मेरे घर वालों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा अन्याय किया. मेरी तब शादी हुई, वो मुझे घर से लेके चला गया बगैर किसी को बताए. उसने मेरे साथ बहुत गलत किया. उसने आदमी ने नहीं, उसके जो और परिवार के सदस्य थे बहुत सारे जान पहचान के या उसके परिवार के चाचा ताऊ मामा, सब ने उसके साथ उसका शारीरिक शोषण किया. और जब ये मतलब वहाँ से बिल्कुल परेशान होगी, इसका आदमी इससे बात नहीं, मतलब इसको समझ नहीं थी कि ये मेरा आदमी है, क्या मामला है, क्या मसला है. इस बीच इसकी मदर गुजर गई और फिर ये अपने माँ के देहांत पे जब अपने मायके में आई तब इसने वहाँ से मतलब जाने से मना कर दिया. और उसके बाद क्योंकि माँ मर गई, पिताजी मर गए, कोई और था नहीं, तो इसके चाचा और बुआ और ने मिलके भाई जिम्मेवारी है तो इसको जो ना शादी ही बस करनी है. लड़की की तो और तो कोई तरीका नहीं ना लड़की का तो बिना शादी के रहने का. उन्होंने इसकी 14 साल की जब ये थी तभी फिर दोबारा से शादी करी. और वो लड़का मिर्गी का मरीज था, वहाँ पर भी जब इसका मतलब गुजारा नहीं हुआ, इसको समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ, कोई इसको नहीं पता कि शादी का संबंध या परिवार में कैसे मतलब रहना है. वहाँ से भी ये निकल के आई बड़ी मुश्किल से, बहुत ज़्यादा मुश्किल से वहाँ से निकल के आई. लेकिन परिवार वालों ने फिर दोबारा वही कि नहीं शादी तो करनी है, बताओ यहाँ कैसे रखेंगे माइक. जब ये 17.5 साल की थी, 18 साल की शायद पूरी हुई थी, शायद तीसरी शादी फिर वो जो आदमी है वो 43 साल का है और अब इसके पास 2.5 साल का बच्चा है. और वो अभी ये 21.5-22 साल की उम्र है इसकी और इसको नहीं पता कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है. तो ये बोल रही है कि मुझे आदमी से नफरत है, मुझे वहाँ से छुट्टी दिलाओ. तो अब जनवादी महिला समिति जो हरियाणा है, रोहतक है, वो इस पे काम कर रही है और ये लगातार हमारे साथ बनी हुई है और काम कर रही है. दस बरस पुरुष के मरला हमको हो गया, नहीं देता है अथी बनाते तब बनबो क्या, दो बेरी दे कर आ बंद कर दिया. बंद कैले के बाद में से कि कहे छे जे ओहिया से नहीं दै छन, ओहिया से बंद कैली है. कोनो ना हमको बच्चा है, एको गो ना बेटा ना बेटी, कोई हमको देखे वाला नहीं, कोई नहीं, पानी देवैया तक नहीं, कमाऊ में कोई हमरा शक्ति बुत्ता नहीं जो हम कमा कर खाए. आ बंद कर दिया. कौशल्या देवी जो बिहार समस्तीपुर जिला दलसिंहसराय कियोटा पंचायत की है, उन्होंने कहा कि जो अभी वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन, उससे वो किस तरह से जूझ रही हैं. 10 साल पहले इनके पति का देहांत हो गया और करीब 5 साल उनको फॉर्म भरने में लगा, भरते भरते तब भी नहीं मिला. बहुत मुश्किल से जब हमारी संगठन की मेंबर सदस्य वहाँ मुखिया बनी, उसके बाद लड़ करके उनको पेंशन दिलाने का काम की. 2 बार 200 रुपया मिला. लेकिन अभी 2 साल भर पहले जो दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार जब बनी, उसके बाद जो हर एक चीज़ को आधार कार्ड से जोड़कर खाता खोलाने का जो वो एक नाटक करने का काम किया, जिसके तहत अभी ये पेंशन, विधवा पेंशन को भी खाता खोलाइए, आधार कार्ड से जोड़िए, बैंक से लिंक कीजिए. जब से ये सिस्टम शुरू किया गया तब से सभी का पेंशन बंद है. और उसी के तहत कौशल्या देवी पिछले 2 साल से, मतलब 2015 से ही उसका पेंशन बंद है आज, जिसके चलते ये जो अपने भाषा में बताना चाह रही थी कि ना उसको पति है ना बेटा है. मैं ऐसे घर से आती हूँ जहाँ पे सिर्फ मैं औरतों के साथ बड़ी हुई हूँ. मैं अपनी नानी दादी मम्मा, घर में कोई मेल मेंबर कभी कोई था ही नहीं. तो टू बी ऑनर्ड बाय अ वुमेन्स एसोसिएशन इज़ वेरी स्पेशल. इट
इट मेक्स मी जस्ट टू सी कि इतनी सारी महिलाएं इतना काम कर रही हैं अब हमारी सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए जस्ट मेक्स माई हार्ट सोर. लास्ट ईयर फेब्रवरी में मैंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था उसका नाम था #StudentsAgainstABVP. और जब मैंने ये एक मूवमेंट स्टार्ट किया एक पर्टिकुलर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ उन्होंने जो वायलेंस की थी उसके खिलाफ, तो मुझे काफ़ी लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कही, मुझे गालियाँ काफ़ी दी ऑनलाइन, काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग हुई. बट आई थिंक इफ टुडे आई थिंक एज वीमेन वी ऑल नीड टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ, वी ऑल नीड टू बी टुगेदर एंड वी ऑल नीड टू swallow whatever comes our way with a pinch of salt, because that's how it is. So I feel like it is a strength that comes from within me, being a woman, somebody who has काफ़ी बार मुझे लोग कहते हैं कि आपने कैसे इतना कुछ डील किया, आप इतने ग्रेसफुली कैसे, इतने आपको लोग कुछ कह रहे थे, आप घबराई नहीं, आप कभी बैक डाउन नहीं किया. उन्हें बस मैं एक चीज़ यही बताना चाहती हूँ कि जब आप एक औरत होते हो तो आपको डे वन से आप एक बैक हैंड पर रहते हो, आप एक बैक फुट पर रहते हो. आप पहले दिन से ही आपको पता है कि जो चीज़ किसी लड़के को बहुत आराम से मिलेगी उसके लिए आपको डबल काम करना पड़ेगा. सो बाय द टाइम आई रीच द पॉइंट वेयर आई हैड टू लिसन टू सो मेनी थिंग्स, मैंने इतनी स्ट्रगल्स खुद ओवरकम कर ली थी दैट आई वाज स्ट्रांग इनफ टू हैंडल इट. शौचालय के ऊपर हम बताए जौन जौन देखले जौन जौन बीतल है. दीदी लोगन खाली एक दो लोग के ऊपर ना बीतल है, पूरे महिलाओं के ऊपर बीतल है कि शौचालय इज्जत घर देवे से पहले हमार सरकार बहन बेटिन के बाहर शौच करे से मना करे लगल. हमार तो ये कहे के मतलब है कि शौचालय जब तक ना बने तब तक शौच कहाँ करिहँ, घर में खइहँ तो घर ही में शौच करिहँ, बाहर जरूर जइहँ. बाहर जाए का मतलब है कि जे हर आदमी लोग निकलल हाँ, जैसे चार दिशा है, चार दिशा में एक गांव में चार दिशा वाला रास्ता निकले, कौनो रास्ते आदमी निकलें कौनो रास्ते औरत निकलिहँ, तब वहाँ जगह जगह टीम बना के आंगनबाड़ी के मास्टराइन आशा बहू और का नाम है कि विद्यालय का मैसेंजर और गांव के महिलाओं के लालच देके कि तू अगोरबू ना फोटो एक दूठो लिया के दे दा आ अगोरबू तो के पैसा मिली. अब लालच के पा के गांव का कुछ महिला अपन टीम बना के लगली अगोरे, तो जब मेहरारू निकल जौने और शौचालय के तो मेहरारू लोगों में लाइट बार बार को मेहरारू के तंग कर, मरद जहर जहाँ शौचालय करे तो मरद लोग तंग कर. आ शौचालय बनवावे खातिर के कहीं 6,000 तो कहीं 9,000, ओहू में अपने मिर्जापुर जिला में जब हम लोग देखल गयल तो 25% शौचालय तैयार है, वो टूटा फूटा सही माने में देखल जाए तो ना है, 75% बनल ना, तो 75% बहरवे शौच करे जइहँ. इतनी बेइज्जती करत हम गाँव का कुल महिलन के कि बेचारी जब बैठत हैं शौच करे के तो वहाँ लाइट बार देते हैं खड़ी हो जाती हैं, फोटो खींच के आई का नाम है कि एगो मोबाइल चल लिए फोटो वाला वही पर भेज देते हम, मैसेज भेजत हम, वीडियो कैमरा पर करके भेज देते हम. वहाँ से कहा सुने में आवा था कि अगर जे बहरे शौच करी तो ओकर राशन बंद हो जाए, ओकर राशन बंद करा ना राशन दिया ना वो हगे जाई, और बाद जे भेटाला तो ओके कह दा कि फरसा लेके घर से जौआ में राखी लेके जा हग्गा ओके फेंक या तोप, तो ये तो ना हो पाई. जब इज्जत घर देवे के वादा कालत पहले इज्जत घर दे ले, ओकरे बाद जब महिला पुरुष बाहर जाइए तो ओके रुकावट डले. वो ये कह रही हैं कि अब जैसे वो बैठ के खुले में शौच करती हैं तो लोग कैमरे से उनके फ़ोटो बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, शेयर करते हैं, उनकी मजाक उड़ाते हैं. जहाँ सरकार कहती है कि औरतों की इज्जत करनी चाहिए, यहाँ औरतों की इज्जत सरेआम नीलाम हो रही है. तो मैं पूछना चाहती हूँ कि मोदी सरकार इस चीज़ में क्या कर रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान के अंदर औरतों की इज्जत वो कितनी बचा रहे हैं.